तो गुरुनाम जी, क्या लगता है आपको, जो ये आंदोलन चल रहा है, आप आए हैं यहाँ पे, कितना ये आपका दौरा आज किसानों का जो समूह, देखिए लोगों का जो बीजेपी और कितना सर लोगों का जो उत्साह है वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अब कितना फर्क पड़ेगा ये तो 2 तारीख को सामने आएगा। और एक 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 आपने अभी भाषण के दौरान एक अभी आपने किया कि बनिया वर्ग जो है ऐसा सुनने में आया, आपने बोला कि वो वोट नहीं डालेगा, क्या पता बनिया वर्ग इसे, ये सुनने में आया कि बीजेपी की तरफ ज्यादा झुक रहा है। मैंने तो उनको एक बेनती की है कि ये किसी के नहीं है, जो उनका कारोबार था आमतौर पे बनिया बरादरी ज्यादा दुकान का व्यापार का काम करती है, इन्होंने सबसे पहले उन्हीं पे आघात किया है। इतना होना चाहिए था जिस तरह किसान आंदोलन पहले चल रहा था। विरोध कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन विरोध है सभी जगह, कम ज्यादा हो सकता है, कहीं पे थोड़े ज्यादा सक्रिय काम करने वाले हो सकते हैं, कहीं पे थोड़ा कम सक्रिय काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन विरोध सभी जगह है। गुरनाम सिंह जी, जहाँ किसान विरोध कर रहे हैं वहीं कुछ गाँव में किसान स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक स्वागत का सवाल है, कुछ किसान अनजान होते हैं या किसी ने सरकार से कोई काम लिया होता है, कोई ऐसा किसान हो सकता है। वैसे आम तौर पे ये है कि आम किसान विरोध कर रहा है। जो काम पहले 7 सालों में नहीं हुए वो काम अब कुछ घंटों में ही कर रहे हैं सत्तापक्ष के लोग। देखिए वोट के लालच में करते हैं काम, तो इनकी नीतियां तो ऐसी जो है वो ये है कि काम को रोको, काम करवाने के लिए नेता नहीं बनते, काम रोकने के लिए नेता बनते हैं, ताकि रुके हुए काम के लिए लोग मजबूरी में इनके पास आ जाएं और फिर मजबूरी फिर ये उनका उन पे एहसान जताएं। चरोड़ी साहब, जो किसान विरोध कर रहे हैं उनको पार्टी का विशेष तौर पर नाम दिया जा रहा है कांग्रेस और इनेलो का। जी जो किसान विरोध कर रहे हैं उनको व्यक्तिगत पार्टी का तगड़ा दिया जा रहा है उनको। देखिए और इनके पास कहने के लिए क्या बचा हुआ है, कहेंगे ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, ऐसे कह के ही ये वो करते हैं। और आपने बताया कि कांडा से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन कई नेता तो ऐसे हैं जिनसे आपकी दुश्मनी भी रही है, मैं ओपनली नहीं बता सकता। हाँ ओपनली तो मैंने भी नहीं बताया, बिल्कुल रही है, और असली पूछो हमारे दिल पे छाले हैं, दुश्मनी तो यहाँ तक रही है, लेकिन फिर भी आज हमारे, देखिए आज हमारे सामने जो है, आज हमारे सामने देश है, आज हमारे सामने समाज है, उन सभी चीजों को भूल के हम सबसे पहले लोगों के आगे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बीजेपी का हारना अति जरूरी है, देश के लिए समाज के लिए हारना उनका जरूरी।